फाइनली दोस्तों मीडियो के वीडियोस देखने को मिल रही हैं उसके लॉन्च से पहले। दोस्तों लॉन्च डेट तो अब मालूम है कि 6 तारीख को लॉन्च होने वाली है, 6 नवंबर को, बट प्राइसिंग का अभी भी बहुत लोगों का डाउट है। दोस्तों प्राइसिंग का डाउट ना आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, बिकॉज प्राइसिंग का डिटेल जो है मिल चुका है, कुछ हद तक राइट सोर्स है, बट अभी भी टेंटेटिव ही बताऊंगा क्योंकि 1.94 पूरा एकदम क्लियरली नहीं बताया गया है। 1.94 लाख एक्स शोरूम प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस कहा जा रहा है दोस्तों इस मॉडल का। एंड अगर 1.94 लाख रहा ना तो ऑन रोड प्राइस जो है इसका 2.30 to 2.40 के आसपास इसका होने वाला है। दोस्तों ये प्राइस राइट है या रॉन्ग ये दो दिन में आइडिया हो ही जाएगा, बिकॉज 6 तारीख को जो है ऑलरेडी लॉन्च है। एंड दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं, इसकी वजह से मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, बट हाँ जैसे मेरे को लग रहा था 1.90 के आसपास होगा, इसीलिए ये सुन के कि 1.94 लाख प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है थोड़ा सा लग रहा है कि सही हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली क्लासिक्स इसका प्राइस ज़्यादा ही होगा, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ इसका मॉडल का प्राइस। एंड अगर 1.94 लाख के आसपास होगा इसका एक्चुअल प्राइस है तो मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उसके फीचर के हिसाब से जो है ये मॉडल जो है जितना फुली लोडेड मॉडल बनाया हुआ है ऐसा लगता है कि इसका प्राइसिंग जो है थोड़ा हायर साइड होगा, बट 2 लाख के अंदर ही होना चाहिए तभी अच्छे नंबर्स गेन कर पाएंगे। कई लोगों को मॉडल जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, कई लोगों को मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, कई लोग थोड़ा न्यूट्रल है, मतलब सभी इसमें मिक्सिंग जो है ना अभी दिख रहा है, एक बार लाइव आएगा लाइव टेस्टिंग करेंगे तब देख के ज़्यादा पता चलेगा, बट मैक्सिमम लोग जो है इस मॉडल को थंडरबर्ड एक्स और थंडरबर्ड ही बोल रहे हैं, बिकॉज सारा लुक वुक डिटेल जो है ना एकदम सेम टू सेम लग रहा है, बट कुछ फीचर्स का ही डिफरेंस है। अगर मैं अपना लॉन्च से पहले इस मॉडल को लेकर रिव्यू दूं तो दोस्तों फीचर्ड मॉडल तो है, मॉडल में फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, इवन राइडिंग क्रूजिंग के लिए पर्पस बाइक है और अच्छा लुक भी दे रही है, थंडरबर्ड से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। थंडरबर्ड एक बेसिक फीचर्ड मॉडल था जो कि अच्छा रहता था, हाईवे किंग कहा जाता था, बट उसका एक अपग्रेडेड मॉडल बनाया गया है जो आपको हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट देने वाला है। अगर 2.30 to 2.40 के आसपास भी इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है ना तो मैं बोलूँगा कंपेयर टू अदर मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक बार अगेन बोल रहा हूँ कि 6 तारीख को लॉन्च के बाद एक फाइनल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, एक राइड लेने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ इस मॉडल का। एंड आई होप आप लोग भी जिस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे इस मॉडल का कि एक बार आप भी इसको लाइव टेस्ट करके देखें कैसा एक्चुअल में फील आता है। तो उस फील के लिए दोस्तों 2 दिन का और वेट करना पड़ेगा, 6 तारीख का लॉन्च के बाद में मैं आपको एक अच्छी वीडियो इसके ऊपर बना के दूंगा। तो दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखें ध्यान रखें और देखते रहे बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बाय।